हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्किल्स। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशल फाइल्स, जो स्पेशल जनरल फाइल के अलग छोड़ के हम और कौन कौन सी कुछ स्पेशल फाइल्स का प्रयोग करते हैं, तो वो सभी फाइल्स हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। सो गाइस, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को जरा भी स्किप नहीं करना और लास्ट तक जरूर देखना है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। और सोशल प्लेटफॉर्म को भी ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से भी हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, डिस्कस करते हैं स्पेशल फाइल्स। सो सबसे पहले व्हाट इज फाइल टूल, फाइल जो है वो क्या है। तो फाइल जनरली जो क्या है, हम जब हमें मेटल को कम मात्रा में किसी सरफेस से रिमूव करना है, फिनिशिंग करना है, तो उसके लिए हम फाइल आदि टाइप के टूल्स का प्रयोग करते हैं, जैसे कि कॉमन वुड वर्किंग है, मेटल वर्किंग एंड सिमिलर इसी तरह के जो काम रहते हैं, तो वहाँ पर हम फाइल्स का प्रयोग करते हैं। और ये डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में आपको मिल जाएंगे। जनरली हम बेसिक ऑफ द शेप की अगर हम बात करें तो फ्लैट फाइल, राउंड फाइल, हाफ राउंड फाइल, ट्रायंगुलर फाइल, स्क्वायर फाइल, हैंड फाइल एंड नाइफ एज फाइल। तो ये जनरली 7 तरह की फाइल्स अकॉर्डिंग टू द शेप एंड अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट जनरल जो है वो हम 7 तरह की फाइल्स ये यूज़ करते हैं। गाइस, इन सभी फाइल्स में मैंने एक डिटेल वीडियोज बनाई है, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो उस वीडियो को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप उसको भी देख सकते हैं। सो आज हम बात करते हैं स्पेशल फाइल्स के बारे में कि स्पेशल फाइल्स क्या होती है। स्पेशल फाइल्स की अगर हम बात करें गाइस, जो जनरल कॉमन कामों के लिए हम जो अलग तरह की 7 टाइप्स की मैंने फाइल दिखाई है वो यूज़ करते हैं, और कुछ स्पेशल पर्पज के लिए हम कुछ स्पेशल शेप और कट्स के अकॉर्डिंग हम फाइल्स को यूज करते हैं। जैसे फाइल्स आर आल्सो अवेलेबल वेरियस शेप, वेरियस ऑफ वैरायटी ऑफ शेप्स फ्रॉम स्पेशल एप्लीकेशन, दीज आर फॉलो, जिसमें कि कुछ आप यहाँ पर देख सकते हैं, रिफलर फाइल, बैरेट फाइल, क्रॉसिंग फाइल, रोटरी, मिल्सार, ट्रिंकर, पिलर, डेड नाइट फाइल, वार्डिंग फाइल्स, स्विच पैटर्न फाइल। तो ये कुछ स्पेशल तरह की टाइप्स ऑफ फाइल हैं एंड स्पेशल कुछ स्पेसिफिक कामों के लिए हम इन फाइल्स का यूज़ करते हैं। तो वन बाय वन अब ये हम इन फाइल्स को डिस्कस करेंगे कि कौन सी फाइल किस शेप की दिखती है और वो हम कहाँ पर यूज़ करते हैं। सो फर्स्ट इज रिफलर फाइल। रिफलर फाइल जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये कुछ रिफलर अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में होती हैं, और ये जो जो फाइल्स है ज़्यादातर क्या है, छोटे बहुत हैवी काम के लिए हम इसका यूज नहीं करते। जो मोल्ड मेकर, ज्वेलर्स हैं, मोल्ड गन स्मिथ एंड मशीनिस्ट वगैरह के स्मॉल छोटे छोटे कामों के लिए हम इस तरह की फाइल का प्रयोग करते हैं। द रिफलर अनलेस अदरवाइज आइडल मेटल एंड या लकड़ी और प्लास्टिक जैसे कामों के लिए भी हम लकड़ी या मेटल या प्लास्टिक के कामों के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो बहुत छोटे छोटे ज़्यादातर ये गोल्ड स्मिथ वगैरह के जो काम होते हैं वहाँ पर, ज्वेलर्स वगैरह जो काम करते हैं, तो उनके लिए हम ज़्यादातर ये सूटेबल फाइल्स होती हैं, कुछ इस तरह की शेप्स में मिलती हैं आपको ये। सो नेक्स्ट इज बैरेट फाइल। बैरेट फाइल देखिए, कट साइड एंड अनकट साइड, एक कट साइड होती है जिसमें और दूसरी अनकट साइड। बैरेट फाइल टेपर इन बोथ वेज, दोनों ही एजों पे इसमें टेपर रहता है एंड विद अलाउ देम अक्रॉस स्मॉल स्पेसेस, दे आर डबल कट बट ओनली ऑन द फ्लैट सरफेस। जिसकी जो फ्लैट सरफेस पे होते हैं उसमें क्या है, डबल कट्स रहते हैं, और जो इसकी एक साइड रहते हैं इसमें डबल कट होते हैं। और इस फाइल्स का प्रयोग हम क्या करते हैं, देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, जो कॉर्नर्स और शार्प एजेस हैं, एंगल्स हैं, कॉर्नर्स हैं, अगर कहीं हमें जो एजेस वगैरह निकल आते हैं, डिवरिंग वगैरह करनी है, तो उसके लिए हम खास इस तरह के कॉर्नर्स बनाने के लिए हम खास इसको इस फाइल का प्रयोग करते हैं। स्लॉट्स वगैरह बनाने हैं, कुछ शेप्स वगैरह बनानी है, तो उसके लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट इज क्रॉसिंग फाइल। क्रॉसिंग फाइल देखिए, यहाँ पर क्रॉसिंग एंड ओवल फाइल, जैसे देखिए क्रॉसिंग फाइल एंड ओवल फाइल आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीनिस्ट फाइल दैट आर यूज फॉर शेपिंग कन्वेक्स सरफेस। हम ये क्रॉसिंग फाइल है कन्वेक्स, जैसे कन्वेक्स सरफेस अगर हमें कहीं शेप बनानी है तो उसके लिए हम इस तरह की फाइल्स का प्रयोग करते हैं। यूज इन फाइल, अगर हम इस फाइल के यूज की बात करें तो ये जो ज्यादातर ये जो फाइल है ये वॉच मेकिंग यानी घड़ी वगैरह, जो हम उसके गियर्स वगैरह घड़ी वगैरह बनाई जाती है, तो उसकी उस इंडस्ट्री में ज्यादातर इस तरह की फाइल्स का प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट इज अ रोटरी फाइल। रोटरी फाइल देखेंगे आप, इसमें भी ये भी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट शेप्स और आकार में आपको ये मिल जाएंगी। और इस फाइल्स का प्रयोग हम पॉलिशिंग, कहीं हमें एक्सेस मटेरियल रिमूव करना है, पॉलिश करना है, फिनिशिंग करना है, तो उसके लिए हम इस तरह की फाइल्स का प्रयोग करते हैं। और ये जो रोटरी फाइल्स हैं, इसको हम जनरली ड्रिल मशीन्स या शाफ्ट ग्राइंडर्स होते हैं उसके साथ हम इसको अटैच करके डिफरेंट राउंड शेप है, रेडियस है, कन्वेक्स है, कनकेप है, या कोन टाइप की शेप है, बॉल टाइप की शेप है, तो अलग अलग शेप्स में आप इंटरनल एक्सटर्नल तभी सभी टाइप्स के आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह की शेप बनाने के लिए हम इस तरह की फाइल का प्रयोग करते हैं। दिस रोटरी फाइल मस्ट मोस्ट ब्रांड्स ऑफ मेटल कटिंग, कर्विंग एंड पॉलिशिंग, इसके लिए हम ये ज़्यादातर फाइल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट इज अ मिल्सा फाइल। मिल्सा फाइल देखेंगे, मिल्सा फाइल आर मल्टीपल पर्पज सा फाइल, ये कई कामों के लिए हम यूज करते हैं। नॉर्मली हम ब्लेड्स वगैरह की शार्पनिंग के लिए ब्लेड्स वगैरह होते हैं, उनके धार लगाने के लिए हम उसको यूज करते हैं। और ज्यादातर आप देखेंगे जो लकड़ी काटने वाली जो आरी जो साव होते हैं, उनके टीथ्स को शार्प करने के लिए, टीथ्स को धार बढ़ाने के लिए हम ज्यादातर इस तरह की फाइल्स का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट इज अ ट्रिंकल फाइल, ट्रिंकर्स फाइल। ट्रिंकल्स फाइल आप देखेंगे यहाँ से एक रेक्टेंगुलर शेप में ये पूरी कंप्लीट फाइल होती है, जिसमें यहाँ पर दो होल्स होते हैं और इस तरह की इसमें साथ में हम इसको इसके हैंडल के साथ अटैच करके इसका प्रयोग करते हैं। और ये ज़्यादातर ऑटोमोबाइल्स की जो ऑटोमोबाइल गाड़ियों की जो बॉडीज होती हैं, उसमें जो ट्रिंकरिंग करने के बाद जो हमें उसकी फिनिशिंग वगैरह करनी होती है, तो वहाँ पर मोस्ट ऑफ थिंग्स ऐसी ही फाइल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट इज अ पिलर फाइल। पिलर फाइल्स आप देखेंगे यहाँ से, ये क्या है, पिलर फाइल इक्वली फाइल्स एंड स्क्वायर एजेस ज्वाइंट फाइल आर मशीनिस फाइल यूज फॉर फिनिशिंग एंड शार्पनिंग इनसाइड स्क्वायर ऑफ रेक्टेंगुलर स्लॉट्स। ये फाइल्स पूरी देखेंगे बॉडी इसकी कंप्लीट रेक्टेंगुलर शेप में होती है शेप, और ये कुछ जैसे इस तरह के स्लॉट्स होते हैं, रेक्टेंगल स्लॉट्स हैं, तो वहाँ पर हम इस तरह की फाइल का प्रयोग करके इसको फिनिशिंग करनी है, उनके एजेस को क्लीन करना है, एजेस को शार्प करना है, तो स्लॉट्स वगैरह हैं, तो वहाँ पर हम जब फाइलिंग करते हैं तो इस तरह की फाइल का, पिलर फाइल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट इज अ ड्रेड नाइट फाइल। ड्रेड नाइट फाइल आप यहाँ से देखेंगे कि किस शेप से आपको देखना है, एक कर्व जिसमें ये कर्व अंदर इंटरनल कर्व बना होता है इसमें, और इसी शेप में कर्व शेप में ये इसकी जो टीथ्स कटे होते हैं वो भी इसी शेप में ही होते हैं, और इस तरह की सॉफ्ट मेटल या हार्डन स्टील में की कटिंग करने के लिए हम ज़्यादातर इसको यूज करते हैं। इसमें दो होल्स होते हैं, इसे यहाँ पर देखेंगे होल्स, हैंडल हम इसका इसी होल्स के थ्रू इसको हैंडल को फिट करते हैं, और एल्युमिनियम जैसे एल्युमिनियम सॉफ्ट मेटल्स हैं तो उसके जो चिप्स होते हैं इसमें फंसते नहीं हैं, तो उसके लिए इस तरह कंडीशंस के लिए हम इस तरह की फाइल का प्रयोग करते हैं। जैसे कर्व शेप वगैरह हमें बनानी होती है तो उसमें हम इस तरह की फाइल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट इज अ वार्डिंग फाइल। वार्डिंग फाइल टेपर्ड, आप देखेंगे वार्डिंग फाइल एक तरह की सेम टेपर्ड फाइल की तरह होती है, और जिसके जो फेसेस पे डबल कट टीथ्स होते हैं, और जो एजेस होते हैं उसके एजेस पे सिंगल कट टीथ्स होते हैं। एंड ये जो फाइल्स है इसका प्रयोग हम की स्लॉट्स, जो स्लॉट्स वगैरह होते हैं, वर्स वगैरह है उसकी जो एजेस शार्प हो जाते हैं उसकी फिनिशिंग करने के लिए, एंड लॉक स्मिथ यानी जो लॉक वगैरह बनाए जाते हैं उनके की रिपेयरिंग लॉक, तो उसमें ज़्यादातर ये इस तरह की फाइल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट इज अ स्विच पैटर्न फाइल। स्विच पैटर्न फाइल्स आप देखेंगे, इसको हम निडल फाइल्स आर स्मॉल, इसको हम निडल फाइल्स के नाम से भी जानते हैं, और ये भी डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग तरह की, लगभग आई थिंक 12 अलग अलग प्रोफाइल्स में आपको ये फाइल्स मिल जाती है, और ये भी इस तरह के कुछ छोटे छोटे काम है, ज़्यादा हैवी काम के लिए हम इस तरह की स्विच पैटर्न फाइल का प्रयोग नहीं करते। छोटे काम, छोटे जैसे वॉच मेकिंग है या गोल्ड स्मिथी का स्मिथी ज्वेलरी का जो काम होते हैं, वहाँ पर हम इस तरह के मेटल इसकी फिनिशिंग करनी है, वुड प्लास्टिक एंड पॉलीमर क्ले तो इसकी फिनिशिंग करनी है, तो वहाँ पर हम इस तरह की फाइल्स का प्रयोग करते हैं, जैसे कि आप यहाँ से ये देख सकते हैं। सो गाइस, ये तो था इस कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ फाइल्स के बारे में। आई थिंक आपको सभी डाउट्स क्लियर होंगे। अगर कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, तो मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि ऐसी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।